प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में कोरोना मरीजों का हाल। बीएचयू हॉस्पिटल के बाहर घंटों तड़पने को मजबूर कोरोना मरीज। हाल ही के दिनों में कोरोना पॉजिटिव से मृत हरीशचंद्र कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष के वायरल ऑडियो में बीएचयू हॉस्पिटल के दुर्व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और वायरल वीडियो में बीएचयू हॉस्पिटल के दुर्व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जिससे अस्पताल प्रबंधन की खासी किरकिरी हुई है। बीएचयू में बने कोविड लेवल 3 के अस्पताल में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से गंभीर मरीजों को भेजा जा रहा है। मरीजों की संख्या ज़्यादा होने से यहाँ की हालत ऐसी बन गई है कि यहाँ आने वाले गंभीर मरीजों को भी घंटों एम्बुलेंस में ही तड़पना पड़ रहा है। बीएचयू हॉस्पिटल के दुर्व्यवस्थाओं की एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, जिससे मरीजों को एम्बुलेंस में ही रहना पड़ता है। जिसने वीडियो बनाया उसके मरीज को भी कई घंटे बाद भर्ती किया गया और कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। कबीर नगर दुर्गकुंडा निवासी युवक ने वीडियो जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग और बीएचयू अस्पताल प्रबंधन पर कोरोना मरीजों के इलाज में कोताही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि प्रहलाद घाट निवासी रिश्तेदार को सांस लेने में दिक्कत होने पर शनिवार को कबीर चोरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कोरोना संदिग्ध मान जांच करवाई गई तो रात में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद कबीर चोरा से दीनदयाल उपाध्याय कोविड अस्पताल के लिए रेफर भी किया गया। वहां सोमवार की दोपहर में डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति बताते हुए बीएचयू स्थित कोविड अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस के रात में आने पर करीब 10 बजे मरीज को बीएचयू ले जाया गया, जहां 1.5 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में ही रहा। अस्पताल प्रबंधन बेड जारी करने की बात कर रहा था। युवक ने एम्बुलेंस में ही तड़पते अपने मरीज और एम्बुलेंस चालकों का वीडियो बनाने के साथ साथ अंदर रिसेप्शन का वीडियो बनाया। वीडियो में 2 और एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़े दिखे। युवक के हंगामा करने के बाद उसके मरीज को भर्ती किया गया। भर्ती करने के कुछ ही देर बाद मंगलवार को सुबह मरीज की मौत हो गई। सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस प्रोफेसर एस के माथुर का कहना है कि वाराणसी समेत आसपास के करीब 8 जिलों से कोरोना के गंभीर मरीज भर्ती किए जाते हैं। अस्पताल में कुछ मरीज अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाते हैं, हालांकि उनको भी पूरी सुविधा दी जाती है, जांच के बाद उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। बॉस मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है, सीरियस पेशेंट है, आप लोग बेड के लिए अगर नहीं है तो पहले बता दियो तो वहीं कम से कम रहता। बॉस तो 3-3 पेशेंट 3-3 4-4 एम्बुलेंस लगी हुई है, सीरियस है वो। हमने क्या बताया तो क्या कहें, वो मर जाएं? क्या करें? क्यों सर, मैं क्या गलत कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ तो? उससे हमें कोई टेंशन नहीं। जी जी, देखिए बेड अभी ऊपर है, ठीक है ना, बेड ऊपर होगा तो आपका मरीज चेक हो जाएगा। तो बस इसका मतलब जब तक बेड नहीं होगा तब तक मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना। तो सोचे क्या, ये तो फैक्ट है ना। फैक्ट है, गंभीर मरीज है, वेंटिलेटर खाली नहीं रहेगा तब तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना कि वहां जब तक मरीज यहां कंफर्मेशन नहीं हुआ वहां से पेशेंट भेज दिए यहां। इसमें नाकामी किसकी आप जाहिर करेंगे, माननीय सांसद जी की? जी भैया इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास तो कम से मेरा मरीज कल को मर जाएगा बिना इलाज के। हमारे मरीज हैं ये पंडित दीनदयाल से यहां शिफ्ट किए गए हैं, बहनोई है मेरे, और यहाँ बीएचयू में बेड नहीं है, पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। 1 घंटा 45 मिनट हो गया यहाँ है और ये साले अभी तक बेड नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। ये बीएचयू है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है, ये देख लीजिए, ये है, ये प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, यशस्वी प्रधानमंत्री।
यही स्थिति हर एक पेशेंट के साथ, यही नौकर रवैया, यही घंटा एम्बुलेंस खड़ी रहती है, कोई नहीं आता। स्थिति है कि कुछ कहीं मरीज नहीं देता, मरीज खराब रहा आपके तरफ से, मेरे पास मरीज। ऑक्सीजन लगाओ यार उनको कम से कम, तेज कर दो कि मर जाएंगे, तब ऑक्सीजन लगाओगे तुम लोग। पंखा चला दे यार, गर्म होता गर्म हो रहा तभी तो, नहीं हवा तो लग रही है खिलाफ ही। अरे भैया हवा लग रही है, मरीज हालत सीरियस है, व्यवस्था झांट यहाँ कुछ नहीं है। दो दो तीन तीन घंटे मरीजों को खड़ा किया जा रहा है ये पंडित दीनदयाल में, दीनदयाल से लगाई है, बीएचयू है, नया बना है ये, नहीं इसी का उद्घाटन किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ये पीपी किट में हमसे एम्बुलेंस के एम्प्लाई हैं, ये भी दुखित है। कितना, 5-7 घंटा? नहीं नहीं 3 घंटा 4 घंटा डेली लगता है यहाँ, तमाशा यही होता है। यहाँ 3-3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं, तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। कितना सीरियस है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे हो गया। ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन लगाई है, आप देख दे रहा है।